अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। कल हमने क्या किया था? कहानी सुनी थी। और कहानी सुनने के बाद आपने किसी को सुनाई थी? किसको सुनाई थी भाई? अपने दोस्तों को सुनाई थी। फिर क्या कहा उन्होंने? उनको मज़ा आया उसमें, है ना, क्योंकि उसमें इतने मज़े मज़े के जानवर थे। कौन कौन मौजूद था? चीता था, चूहा था, चील, चिड़िया, चमगादड़। इतने मज़े की कहानी थी, है ना। तो सबने सुनी होगी, आपने इनको बताया था कि ये मैंने कहानी कहाँ सुनी थी? बताया था हाँ, कि हमारे पास रोज़ाना वीडियोस आती हैं और वीडियोस में हम नई नई कहानियाँ सुनते हैं और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। चलें जी, अब आज क्या करेंगे? आज कोई मज़े की एक्टिविटी करते हैं। कल तो कहानी सुन ली हमने, है ना। तो फिर क्या करें? आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, हैं, और उन तस्वीरों को पहचानें और बताइए कि ये क्या है। ठीक है जी, चलें जी। देखिए जी, ये क्या है? ये है चील, चील, चील जी। ये क्या है? चील। देखिए और क्या आता है? चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़। ये क्या है? चमगादड़। ये क्या है? चमगादड़। वेरी गुड, चमगादड़ साहिबा हैं ये। ये क्या है छोटा सा? चूहा, चूहा, चूहा। हमने क्या क्या देखा अभी? चील, चमगादड़, चूहा। चील, चमगादड़, चूहा। चील, चमगादड़, चूहा। इन सब की शुरू की आवाज तो एक जैसी लग रही है ना। चील, चमगादड़, चूहा। हाँ, चील, चमगादड़, चूहा। इन सब की आवाज च से स्टार्ट हो रही है ना। इन सब की शुरू की आवाज च है। आपने भी नोट किया ना? मैंने भी नोट किया। इसका मतलब ये है अब हमें च से मिलना है कि भाई ये च साहब कौन है जो ये सब चीजें जो हैं वो च से स्टार्ट हो रही हैं। तो चलें जल्दी से आंखें बंद करें, मैं भी बंद करती हूँ, क्योंकि हमारे सामने आ रहे हैं च साहब जी। ये आ गए हमारे सामने च साहब। चलिए ओपन योर आईज, आंखें खोलें अपनी। वाओ, कितने क्यूट से हैं ये च साहब। अरे वाह भाई, चलिए इनको जो है हम ट्रेस करते हैं। लेकिन ट्रेस करने के लिए हमने क्या करना होगा? हाँ, आपको पता है ना कि हम इन आवाज़ों की एक नज़म पढ़ते हैं। वो नज़म पढ़ने से क्या होता है कि ट्रेसिंग मिनटों में हो जाती है ना। चलें ट्रेसिंग करने के लिए क्या करेंगे? पहले अपने हैंड की सारी फिंगर्स खोल देंगे, दो फिंगर्स को बंद करेंगे, उसके ऊपर ये थंब रखेंगे और ऐसे हमारी टू फिंगर्स आ गई। और उसके बाद हम राइम पढ़ेंगे और उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है हमारी राइम? पढ़ें साथ में। चुड़िया चूजा बजाए बीन, चे के नीचे नुक्ते तीन। अरे वाह, इसमें तो चुड़िया भी है और चूजा भी है, है ना। दोबारा पढ़ते हैं। चुड़िया चूजा बजाए बीन, चे के नीचे नुक्ते तीन। अरे वाह, ये तो बड़े मजे की नजम है। दोबारा सुने, दोबारा सुनते हैं। चुड़िया चूजा बजाए बीन, चे के नीचे नुक्ते तीन। हाँ, कितने मज़े की नज़म है। याद रखनी है ये नज़म, अच्छा भूलनी नहीं है, क्योंकि हमने जब जब च को ट्रेस करना है तब तब ये नज़म पढ़नी है ना। चलें जी, अब हम करते हैं काम। हमारे पास सफ़ा मौजूद है ये, और सफ़े पे कितने आइकन्स बने? पहले काउंट करें जल्दी से, कितने आइकन्स हैं? 1 2 3, थ्री आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन हमारा क्या है भाई? पहला आइकन है हमारा लाइंस बनी हुई हैं, उस पर एक फिंगर रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। ये आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। दूसरा आइकन हमारा क्या है भाई? दूसरा आइकन पे ब की आधी शक्ल बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेरिए। और तीसरे में हमारी मानो बिल्ली बैठी हुई है कलर लेके, तो वो क्या कह रही है हमसे जी? ये कह रही हैं रंग भरिए,
रंग भरिए, रंग भरिए। तीन काम करना है सफ़े पे हमने। पहले हमने क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद हमने पेंसिल फेरनी है और उसके बाद रंग भरना है। इन तीन काम करने से पहले क्या करते हैं जल्दी से बताइए जी। तारीख लिखते हैं, तारीख, तारीख। तो सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस तारीख पे ये काम किया था, ठीक है। उसके बाद हम इस सफ़े को कंप्लीट करेंगे, पहले पढ़ेंगे ये क्या है भाई। च च च च च चील, च चील, च चील, च चील, च चमगादड़, च चमगादड़, च चमगादड़, च चूहा, च चूहा, च चूहा। जी इन सब की शुरू की आवाज़ क्या है, च। अब हम क्या करेंगे, च को ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के लिए पेंसिल शार्प करेंगे और च के स्टार्ट में एक बड़ा सा डॉट बना हुआ है, उस डॉट पे हम पेंसिल रखेंगे और आहिस्ता 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 इसको ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसकी नज़म पढ़ेंगे। वेरी गुड, नज़म पढ़ेंगे, इसको ट्रेस करेंगे और जब ट्रेसिंग हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे जी, हम पढ़ेंगे, रंग करेंगे, अपने पेंसिल्स कलर्स निकालेंगे, उसको शार्प करेंगे और अच्छे अच्छे से इन पे कलर्स करेंगे। ध्यान रखेंगे कि कलर्स जो हैं वो इन तस्वीरों से बाहर नहीं जाएं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है ताकि आपको नज़म भी अच्छे से याद हो जाए, आपको चेयर की आवाज़ भी याद हो जाए और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने जो एक्टिविटी करी उसमें हमने नई आवाज़ सीखी चेयर की और उसकी राइम भी हमने याद की, उसकी नज़म भी हमने याद की और फिर उनको नज़म सुनाइएगा, ठीक है। चलें जी फिर कल मिलते हैं हम न्यू एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।